दोस्तों रिसेंटली एक मेडिकल स्टडी ने बताया है कि रिस्ट वॉच पहनने वाले लोगों में स्टेफाइलोकॉकस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये स्टाफ इन्फेक्शन हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो इट कैन लीड टू सेप्सिस और इवन डेथ। ऐसी ही एक समस्या कोनो नेशनल पार्क में मौजूद चीतास में भी देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट चीता के चलते हम अफ्रीका से चीतास को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं इस नेशनल पार्क में, लेकिन इनकी गर्दन के इर्द गिर्द मौजूद कॉलर की वजह से इन चीतास में नेक्रोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते इस कॉलर की वजह से कई सारे लिविंग सेल्स डेड हो जाते हैं और उससे होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो उससे कई चीतास की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और कई चीतास की मौत हो सकती है। इस पूरी जानकारी के लिए और डिटेल्ड एनालिसिस को समझने के लिए मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज को जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।